हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांट्स एंड गार्डन डिटेलिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर बात करेंगे ग्रो बैग्स की। वेजिटेबल्स इन ग्रो बैग्स इज़ अ गुड आइडिया, और अब हम आपको दिखाने लगे हैं जो हमने वेजिटेबल्स एक महीना पहले ग्रो बैग्स में लगाई थी। ये 10 इंच बाय 8 इंच का ग्रो बैग हमने लिया था। इसमें हमने ये मिर्ची की पौध लगाई थी उस समय, और जो अब फल फूल कर इतनी बड़ी हो चुकी है और ये फ्लावरिंग देने लगी है और इसमें मिर्ची लगनी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पौधा कितना हरा भरा हुआ हुआ है इस समय, और इसकी चारों तरफ से नई शाखाएं आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि पौधा स्वस्थ है और अच्छा फल फूल रहा है। इसी प्रकार से हमने ग्रो बैग्स में जो और प्लांट्स लगाए थे, अब हम उसकी बात करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है टमाटर के पौधे। सिमिलरली हमने 12 इंच बाय 10 इंच या 8 इंच, जितनी आप गहराई खरचना चाहते हैं, कम से कम 8 इंच 10 इंच रखें, उसमें ये हमने टमाटर के पौधे लगाए थे और अभी ये फ्लावरिंग दे रहे हैं। आज आपको ग्रो बैग्स के अलावा हम वुडन बॉक्स के अंदर हम कैसे प्लांटेशन कर सकते हैं। ये जो वुडन बॉक्स है, ये 9 इंच गहरा और 4 फीट के करीब लंबा है। इसके अंदर हमने पॉली प्लास्टिक शीट लगाकर इसको अंदर से सील किया हुआ है। आज इसमें हम आपको रेडिश यानी कि मूली की प्लांटेशन करके दिखाएंगे। ये जो कैप्शन में वीडियो है, ये लास्ट ईयर का है। आप इसमें लास्ट ईयर की मूली की ग्रोथ देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि मिट्टी को हम कैसे तैयार करें और उसको कैसे विभाजित करें। अब कोई पॉइंटर लें, कोई टहनी ले लें, कुछ 4 इंच के टुकड़े में काटें। जैसा कि ये ग्राफिकली हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसको इसमें क्यारी में रख कर नाप ले लें। नाप लेने के लिए आप किसी पॉइंटर को साथ के साथ इसमें ड्रैग करें पूरी क्यारी के अंदर, जिससे आपकी सीधी लाइन आ जाएगी और ये आपका एक पार्ट विभाजित हो जाएगा। सिमिलरली आप दूसरा पार्ट समान रूप से मापते हुए विभाजित कर लें। इसी प्रकार विभाजन करते हुए आपका 1, 2, 3 और 4 मूली का स्पेस बन जाएगा। और सिमिलरली आप इसको दूसरी डायरेक्शन में भी 4 इंच की दूरी पर विभाजित कर एक समानांतर लाइन लगा दें। इससे आपका 4 इंच का गैप हो गया है। 4 मूलियां यहां हो गई, 4 आपकी मूलियां यहां हो गई। इन सभी का आपस में 4 इंच का गैप होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही ये आप आगे बढ़ाते जाएं। इससे पहले मैं आपको इसमें बीज लगा के दिखा देता हूँ कैसे बीज लगाए गए। बीज लें मूली का और इसको 1 बाय 1 एक एक दाना एक जगह पर आप रखेंगे और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप बिजाई पूरी कर लें तो उसके ऊपर से आप थोड़ा सा हल्का हाथ लगाकर मिट्टी ऊपर से कवर कर दें, और ये चीज़ आप आगे रिपीट करते जाएं और नए बीज इसमें बीजते जाएं। और बिजाई करने के बाद आप इसमें फुव्वारे की मदद से पानी लगाएं। पानी आपको इतना लगाना है कि मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाए, क्योंकि इसके बाद हम जब तक बीज अंकुरित नहीं हो जाता इसमें हम पानी नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप किसी भी वुडन बॉक्स में छत पर रखकर आप वेजिटेबल्स लगा सकते हैं,
मूलियाँ लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, और इस प्रकार से आप और तरह की कई चीज़ें लगा सकते हैं। और कम स्पेस होने की वजह से जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।